क्लास में हम पढ़ रहे हैं हरि प्रसाद बच्चन की कविता आत्मचरित्र। तो आइए शुरू करते हैं। मैं चला गए अभी रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब दो सागर तरने को नाव बनाए, मैं वो मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए कवि क्या कहते हैं, चला हृदय में अग्नि, कवि की हृदय में अग्नि जल रही है। यहाँ पे हृदय में अग्नि जलने का मतलब दुखी
अब देखिए कई बच्चे जी क्या कहते हैं, लेकिन जी अपने लोगों के लिए रोता आ रहा कि ये
देने के कारण कभी अत्यधिक दुखी होकर के अपने दुख को बात प्रकट करते हैं शब्दों के माध्यम से, तो संसार के लोगों को लगता है कि छंद अर्थात कविता बना रहे हैं, जबकि कभी क्या कर रहे हैं, तो अपने हृदय की वेदना को प्रकट कर रहे हैं। तो जब संसार के लोगों को कवि की हृदय की अभिव्यक्ति जब बात प्रकट होती दिखाई देती है, तो लोगों को लगता है कि कवि ने कितनी सुंदर कविता लिखी, क्यों सुंदर लगती है कवि कवि लोगों को कविता, क्योंकि उसके भीतर कवि की हृदय की वेदना विद्यमान है, इसलिए वो कविता संसार के लोगों को बहुत प्रभावित करती है, स्पर्शी लगती है, उनके हृदय को छू जाती है। और उस काव्य रचना को पढ़ करके संसार के लोग कवि को एक महान कवि के रूप में सम्मानित करना चाहते हैं कि तू कवि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे दुनिया का हमने एक नया दीवाना कवि कहते हैं कि क्यों संसार के लोग मुझे कवि के रूप में सम्मानित करते हैं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि संसार के लोग मुझे विश्व प्रेमी के रूप में अपनाए, विश्व प्रेमी के रूप में संबोधित करें मुझे, अर्थात कवि कवि के रूप में सम्मानित होना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कविता सम्मान पाने के उद्देश्य से नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने तो अपने हृदय की वेदना को मुक्त किया है, शब्दों के माध्यम से बात प्रकट किया है और लोगों को लगता है कि कवि काव्य रचना कर रही है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं बादल का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब झूम चुके लहराए, मैं भक्ति का संदेश लिए फिरता हूँ। अब इसे कवि क्या कहते हैं कि ये जो दीवानगी है, मैं हूँ दुनिया का एक नया दीवाना, ये जो दीवानगी है, जो दीवाना मन की जो प्रेम की मस्ती है, वो केवल कवि के दिल में ही नहीं है, कवि के हृदय में ही नहीं है, बल्कि उसकी वेशभूषा में प्रकट हो रही है, यानी कि कवि ने अपना अपना वेश में दीवानों की तरह बना लिया है, अस्त व्यस्त वेशभूषा हो गई है कवि जी। मैं मादकता निषेध निषेध करता है संपूर्ण जीवन, कवि का संपूर्ण जीवन जो है मादकता की नशा प्रभाव मुक्ति, कवि का संपूर्ण जीवन जो प्रेम का नशा मुक्ति से भरा हुआ है, जिसको सुनकर जब झूम के लहराए, मैं मुक्ति का संदेश दिए फिरता हूँ, अर्थात कवि जहाँ कहीं भी जाते हैं संसार के लोगों को प्रेम और भक्ति का ऐसा संदेश देते हैं, कवि के संदेश को सुनकर के संसार के लोग मस्ती से आनंद से छूम उठते हैं, लाजमी लगते हैं, छुप जाते हैं, कवि के शाम नतमस्तक हो जाते हैं और लहराने लगते हैं आनंद से। तो कवि कहते हैं मैं भक्ति का संदेश दे देता हूँ, अर्थात कवि जहाँ कहीं भी जाते हैं संसार के लोगों को प्रेम और भक्ति का ऐसा संदेश सुनाते हैं, जिसको सुनते हुए संसार के लोग कवि के सामने आनंद मग्न होकर के झूमने लगते हैं और कवि के ऐसे महान विचारों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आप यदि आपके पास किताब है, आपने खरीद ली है, तब तो आपको स्क्रीन शॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप उसका स्क्रीन शॉट ले लें, और यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो आप जल्दी से खरीद लें और अभ्यास के प्रश्न जो दिए गए उसके अंदर वो करें, तो